सोने से पहले हनुमान चालीसा सुनती है बिपाशा की बेटी। पापा करण की गोद के बिना देवी को नींद नहीं आती। अभी से बेहद संस्कारी हो गई है बंगाली ब्यूटी की लाडली। जी हाँ, बॉलीवुड की डस्की ब्यूटी और एक्ट्रेस बिपाशा बासु इन दिनों अपने मदरहुड फेस को खूब एंजॉय कर रही है। अपने 9 महीने की बेटी देवी बासु ग्रोवर के साथ वो आए दिन कोई ना कोई क्यूट पिक्चर और वीडियो शेयर करती ही रहती है, जिसमें देवी का बड़ा ही प्यारा अंदाज देखने को मिलता है। तो इस बार बिपाशा और करण ने अपने लिटिल प्रिंसेस के संस्कारों की झलक फैंस को दिखाई है। दरअसल बीते दिन ही बिपाशा ने अपने इंस्टा हैंडल से एक लेटेस्ट वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो के म्यूजिक को तो हम आपको कॉपीराइट इश्यूज की वजह से नहीं सुना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमें बिपाशा के हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर और उनकी बेटी देवी की झलक देखने को मिल रही है। बाप बेटी की ये जोड़ी बेड पर लेटी हुई है और सोने की तैयारी कर रही है। वहीं करण अपनी 9 महीने की बेटी को हनुमान चालीसा सुना रही है। हनुमान चालीसा को सुनकर देवी बेहद खुश होते हुए भी दिख रही है। वहीं इस क्यूट वीडियो को शेयर करते हुए बिपाशा बासु ने कैप्शन में लिखा है, सोने के समय की रस्में पापा माँ और देवी। जैसे ही बिपाशा ने अपनी नन्ही बेटी का ये वीडियो शेयर किया तो फैंस भी देवी के संस्कारी होने की तारीफ करने लगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक के बाद एक लोग कमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक फैन ने कहा, बिपाशा अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे रही है। एक दूसरे फैन ने कमेंट किया, वाह अभी से हिंदू रिचुअल से जुड़ रही है देवी। एक और ने कहा, आप दोनों बेस्ट पेरेंट्स हो। इस तरह से और भी कई फैन देवी के संदाज पर अपना दिल हारते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि बिपाशा की तरह उनकी बेटी भी खूब लाइमलाइट में रहती है। ऐसा शायद कोई ही दिन जाता हो जब बिपाशा अपनी बेटी की कोई झलक सोशल मीडिया पर ना दिखाती हो। अभी कुछ दिन पहले ही बिपाशा ने अपनी लाडली का 9 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था। इस मौके पर बिपाशा ने देवी की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें देवी क्यूट लुक में दिखी थी। तो वहीं देवी के पास 2 ब्लॉक रखे हुए भी नजर आए थे, जिन पर 9 और मंथ लिखा हुआ था। वहीं से पहले बिपाशा ने एक्ट्रेस नेहा धूपिया के साथ इंस्टाग्राम चैट में खुलासा किया था कि देवी के दिल में 2 छेद थे। जब वो 3 महीने की थी तब उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का पता चला था, जिसका सर्जरी करवा कर देवी का इलाज किया गया था। देवी की सर्जरी 6 घंटे तक चली थी, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से ठीक है। बहरहाल इस वक्त तो 44 साल की बिपाशा अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम सिर्फ और सिर्फ बेटी देवी के साथ ही बिताती है। बिपाशा के साथ साथ करण भी अपने पापा होने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।